बोलिए गायत्री माता की, दादा गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। हमारा शांति कुंज हरिद्वार युग तीर्थ माना जाता है। उस युग तीर्थ में जो देवता रहते हैं, हमारे वरिष्ठ देव रहता है, शिव के लाडले और अनुज, जिनको हम बड़ी प्यार से जब भी मिलते हैं हास्य से बोलते हैं, अच्छा दीदी बहन कैसे हो, जिनके मुख पर हमेशा हास्य रहता है। ऐसे हमारे अनुज देवव्रता श्री आदरणीय दिलीश भाई, जो हमारे राजस्थान एवं गुजरात के पश्चिम जोन के प्रभारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राण डाले हैं। हमेशा बार 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 गुजरात का दौरा करते हैं, जहाँ कहीं पर हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, बार 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 हमें उसे मार्गदर्शन करते रहते हैं। बड़ी हास्य दुलार प्रेम और जिनका स्वभाव बड़ा सरल है, विनम्रता से हमें मार्गदर्शन करते हुए, जी जी कोई बात नहीं, आप ऐसा कर दीजिए, ऐसे सुंदर सुंदर हमारे लाडले भ्राता श्री से अभिवादन करेंगे। आज का आपका विषय है रजत जयंती समारोह का उत्साहवर्धक उल्लेखनीय तैयारियां हम कैसे करें। आदरणीय भाई साहब, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। भाई बहनों, मैं अनौपचारिक रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे बीच में हमारे तीनों बड़े भाई, उनके पास बड़ा लंबा अनुभव मिशन का रहा है। मैं पिछले 3-4 बार लघु प्रांतीय गोष्ठियों में बराबर अपनी बात यहाँ करता रहा हूँ। मैं तो खाली बड़े भाइयों से एक ही निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई बहनों ने वास्तव में अश्वमेध यज्ञ की रजत जयंती के प्रयाग कार्यक्रमों को पूरे देश के लिए प्रेरणादायी बना दिया। ये जनमेदिनी जो बैठी है, ये सामान्य कार्यकर्ता भाई बहन नहीं बैठे हैं, जो गांव-गांव गए हैं। हमारी बहनें जहाँ सप्ताह में या महीने भर में 2 महीने 4 महीने में एक बार किसी गांव में जा पाती थी, वहाँ हमारी बहनें सप्ताह में 2-2 बार जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, साधनाएँ करा रही हैं और पुंसन संस्कार से लेकर देव परिवारों का जागरण कर रही हैं। हमारे भाइयों ने संगठन को उसी दिशा में घुमाया जिस दिशा में रजत जयंती के प्रयाग के लिए अनिवार्यता थी। उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य इसके साथ जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन मूल जो प्रयाग का जो क्रम रहा है, टोलियां बनाना पहले से ही इसकी रूपरेखा बनी रही। हमारे अश्विन भाई जानी ने पहले ग्राम तीर्थ टोलियाँ बनाई, ग्राम तीर्थ टोलियों के माध्यम से फिर एक रूपरेखा अगली बनी, ग्राम तीर्थ टोलियाँ बन गई यात्रा के लिए, लेकिन इनको काम अभी नहीं वो मिला जो मिलना चाहिए। इनका शिक्षण भी हुआ, शिक्षण हुआ और शिक्षण के साथ में फिर ग्राम तीर्थ स्थापना की साधना के सामूहिक कार्यक्रम बने और इतनी जल्दी गुजरात ने हाथ में ले लिया कि जब 1800-2000 गाँव के आसपास हमने यहाँ से लेकर सौराष्ट्र तक, सूरत से लेकर कच्छ तक, उत्तरी गुजरात से लेकर के पूर्वी दक्षिणी गुजरात तक पूरा का पूरा ये कार्य बहुत उत्साहजनक ढंग से आगे बढ़ा है। तो ऐसा लगता है कि वास्तव में अभी हमारे जो ये स्नेह सम्मेलन हो रहा है, यहाँ से लेकर आयोजन संपन्न होने तक पूरे देश के लिए जितने भी अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, वहाँ रजत जयंती कार्यक्रम जो होंगे आगे चल के, उन सबके लिए प्रेरणा ग्रहण करेंगे वो कि देखिए अश्वमेध यज्ञ की रजत जयंती यदि कहीं मनानी हो तो इस प्रकार की मनानी चाहिए। बड़े भाइयों को अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले साल अश्वमेध यज्ञ जयपुर का रजत जयंती वर्ष मनाया गया। वहाँ आदरणीय पालीवाल जी भाई साहब ने 1 भाई और 10 गांव गोद लेने के लिए कहा था, तो वहाँ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमने उसको थोड़ा सा और सरल करने का प्रयास किया और 1 भाई 10 गांव की अपेक्षा 4 भाई बहन हो चाहे भाई हो, उनकी एक टोली को 1 गाँव दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सरल रहेगा, क्योंकि सबके लिए एक एक गांव में 10 गांव में एक व्यक्ति को जाना उतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 लोग आराम से 1 गांव में जा सकते हैं। हमारी बहनों ने, हमारी बहनों के लिए विशेष रूप से इसके लिए ताली बजनी चाहिए कि उन बहनों ने जन जन में जा करके, घर घर में जा करके उन्होंने खूब काम किया। ताली बजाने में आदरणीय गौड़ी भाषा बोल रहे हैं कि बहुत कंजूसी की जा रही है, थोड़ा जोर से ताली बजा करके आपका ही उत्साह वर्धन करें कि हमारे बहनों ने खूब दौड़ दौड़ करके इन गांवों में युग ऋषि आदर्श ग्राम तीर्थ स्थापना और उसके साथ देव परिवारों को गठन करना, कलशों की सामूहिक साधनाएं कराना, और इसी ताली के हकदार हमारे भाई भी हैं कि उन्होंने हमारी बहनों का पूरा सहयोग किया, चाहे वो जिला समन्वय भाई हों, प्रभारी हों, शक्ति के दृष्टि भाई हों,
और युवा प्रकोष्ठ के भाई हों और जो जिन बहन परिवारों में भाई भी जुड़े हैं, तो पति महोदय ने भी बहुत सहयोग किया, उनको घर वहाँ तक छोड़ने जाना, गांव वहाँ से लेने जाना, उनको काम के लिए छूट देना, मार्गदर्शन देना, साधन देना। मैंने सभी भाई बहन बहुत श्रेय के अधिकारी हैं कि उन्होंने इस रजत जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी की पूरी शक्ति झोंक दी। सभी भाई बहन गुरुदेव माता जी के खूब आशीर्वाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और आगे भी हमारे लिए काम करने के लिए खूब मौका है। हमें खूब उसका विस्तार करना है, गुजरात को कोई गांव भी नहीं छोड़ना है जो गुरुदेव माता जी के ज्ञान और गुरुदेव माता जी के संदेश से अछूता रह जाए। इन्हीं शुभकामनाओं मंगल कामनाओं के साथ अभी बात समाप्त करते हैं, हम अपने अग्रजों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। बोलिए गायत्री माता की
बहुत धन्यवाद मीना बहन, सब लोग तालियों से अभिनंदन करेंगे संगीत तोड़ी का।